हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग एओपी बेस्ड एक स्मॉल सी कंसोल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में एओपी किस तरह से वर्क करता है और उसको किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे एक स्मॉल सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच सके। राइट, ओके गाइस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पहले से एक कंसोल बेस्ड मैवन एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा pom.xml फाइल में मैंने दो डिपेंडेंसीज एक्चुअली आपको भी ऐड करनी है एक एओपी प्रोजेक्ट एओपी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए, तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। तो गाइस, करना क्या है आपको, जस्ट गूगल करना है, यहाँ पे MVN रिपोजिटरी पे आना है। सबसे पहला है एस्पेक्ट जे व्यूअर, इसकी डिपेंडेंसी कैसे निकालोगे गाइस, यहाँ पे जस्ट आप टाइप करो एस्पेक्ट जे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करोगे तो एस्पेक्ट जे की व्यूअर की ये इस पर क्लिक करना है आपको बेसिकली, और यहाँ पे लेटेस्ट वाला जो भी वर्जन है उसको मैंने यूज़ किया 1.9.5, और ये डिपेंडेंसीज कॉपी करना है। लेट्स से ये कॉपी किया एंड इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है, सो दिस वन, तो आपको ये पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जाना है गाइस आपको स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ओके, एक ये डिपेंडेंसी आपको सर्च करना है एंड इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे क्लिक करो। लेटेस्ट वाला मैंने यूज़ किया अगेन, एंड आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर, ओके। तो गाइस यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया एंड अगेन इसको पहले से मैंने पेस्ट करके रखा। मतलब बेसिकली आपको दो डिपेंडेंसी चाहिए, एक है एस्पेक्ट जे व्यूअर और दूसरी है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। आपकी अभी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, अब आप एओपी बेस्ड फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में अचीव कर सकते हो। राइट, चलिए गाइस, अब गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अच्छा यहाँ पे जब मैवन एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो गाइस हो सकता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म हो 1.5 हो डिफॉल्ट, तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा तो 1.8 हो जाएगा। राइट, ओके, मतलब जो भी JDK आप यूज़ कर रहे हो, ओके फाइन। अभी मैं pom.xml फाइल को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसका काम ओके हो गया। राइट, अब गाइस यहाँ पे एक मैंने स्मॉल सा एक पैकेज बनाया है, इसके अंदर चार फाइल्स हैं, बारी बारी जल्दी जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है गाइस। तो एक बेसिक सी ह्यूमन क्लास है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक स्लीप मेथड है, दैट्स इट, ओके। इसके अंदर मैंने प्रिंटलन की मदद से लिखा है गुड नाइट, एंड उसके बाद एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर भी एक सिंपल सा मेथड है स्टडी, जिसके अंदर सिंपल सा मैसेज लिखा हुआ है आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ लाइक दैट, ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब गाइस समझो, अगर हायरार्की वाइज समझें तो ह्यूमन क्या है, एक तरह का पेरेंट है, स्टूडेंट एक तरह का चाइल्ड है। राइट, ओके, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से देखो, राइट, तो ह्यूमन टॉप पे एंड स्टूडेंट चाइल्ड है, ओके। इसके बाद app.java, ये सिंपल सा क्या है गाइस, यहाँ पे एक मेन मेथड है, दैट्स इट, और उसमें कुछ भी खास नहीं है गाइस अगर देखोगे। राइट, तो सिंपल है और इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए। अगर नहीं अवेयर हो तो गाइस मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि स्प्रिंग कोर देख लीजिए, क्योंकि स्प्रिंग के किसी भी मॉड्यूल को अगर समझना है तो स्प्रिंग कोर तो यार मस्ट है गाइस। तो मैं अगेन दोबारा से बोलना चाहूँगा, और हर बार मैं हर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलता ही हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके बिना कुछ होना नहीं स्प्रिंग में। राइट, ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक IOC कंटेनर क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है बीन, वो बीन रजिस्टर्ड हो जाएंगी, सिंपल यही है इस लाइन का मतलब। और यहाँ पे बेसिकली हमने एक कॉन्फ़िगरेशन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है। राइट, तो जिसमें मैंने एनोटेशन यूज़ किया है एट कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन क्या करता है गाइस, जिस पैकेज का आपने यहाँ पे बताया उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो स्कैन करेगा, एट कंपोनेंट या फिर वेब एप्लीकेशन में एट कंट्रोलर वो होती क्या है IOC में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। राइट, लेकिन अभी कंपोनेंट और कंट्रोलर को मान के चलो तो अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि क्या करेगा वो सर्च करेगा कि किस क्लास के ऊपर एट कंपोनेंट क्लास है एनोटेशन यूज हुआ है, वो IOC कंटेनर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर गाइस देखो तो इस क्लास पे कोई भी कंपोनेंट एनोटेशन यूज नहीं हुआ तो ये IOC में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को ऐड कर लिया, ठीक है, मैंने सेव किया सिंपली। अभी ह्यूमन को क्लोज कर देते, सिर्फ इन तीन क्लास का यूज करके काम करते हैं। राइट, तो एक सिंपल सी क्लास है एनोटेशन कंपोनेंट, और यहाँ पे ऐप मेन क्लास है और ये कॉन्फ़िगरेशन। तो कंपोनेंट स्कैन करेगा कि ओके भाई यहाँ पे कोई क्लास ऐसी जिसके ऊपर ऐड कंपोनेंट एनोटेशन यूज़ हुआ, यस स्टूडेंट पे यूज़ हुआ है। राइट, तो ये IOC कंटेनर में रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब इसकी एक बीन क्रिएट हो जाएगी। राइट, ओके, तो मतलब कि अगर यहाँ पे इस तरह से IOC कंटेनर को एक्सेस करें, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे लेट्स से समथिंग ST पे होल्ड कर लिया, और यहाँ पे ST अगर स्टडी करें तो फंक्शन मुझे मिल जाना चाहिए। और अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइस, लेट्स से F11, देन यू कैन सी हियर आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ। राइट, ओके,
सो गाइस मतलब कि हमारी एप्लीकेशन अभी चल चुकी है, हम लोगों ने ये अचीव कर लिया। अभी ये सब कुछ मैंने बताने का मकसद क्या था गाइस, लेट्स से इमेजिन करो कि ये एक स्टडी मेथड है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट क्लास का है, राइट। मैं चाहता हूं कि ये स्टडी मेथड जहां जहां भी मैंने इसको कॉल किया है, अभी यहां पे ये यूज किया, राइट, मैं चाहता हूं इससे पहले यू नो ह्यूमन क्लास का एक मेथड कॉल हो। तो आप कैसे कॉल करोगे, सिंपली क्या करोगे, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहले मैं दिखा देता हूं ह्यूमन क्लास में क्या है। यहां पे गुड नाइट है, राइट, यहां पे कर लेते हैं गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट पढ़ने जाएगा स्कूल तो पहले वो उठेगा, तो थोड़ा सा रियल ओरिएंटेड अप्रोच में आते हैं, तो सबसे पहले मॉर्निंग में वो उठेगा, तो मतलब कि गुड मॉर्निंग, ओके। देन वो जैसे वो वेकअप होगा, ओके, यहाँ पे फिर वेकअप भी कर देते हैं, तो फिर वेकअप। देन हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से कॉल करेंगे, राइट, लाइक, ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ गाइस कि यहाँ पे ना करके लेट्स से कि यहाँ पे आते हैं ह्यूमन आई मीन स्टूडेंट पे, हम यहाँ पे करते हैं सिंपल। और यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रन करूँ वापस से, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आया गुड मॉर्निंग एंड आई एम इन स्कूल। ओके, अब गाइस इमेजिन करो इन नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, इमेजिन करो 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, और हर क्लास में लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, एथलीट्स है, बहुत सारे लोग हैं रियल ओरिएंटेड अप्रोच में अगर देखो, ठीक है, वो क्लासेस आपने बना रखी, लेकिन टॉप पे हमेशा क्या रहेगा, ह्यूमन रहेगा। और एक कंडीशन लगाती कि ह्यूमन का जो वेकअप मेथड है वो हर एक के केस में सबसे पहले वो रन होगा, देन उसका मेन मैसेज आएगा, चाहे एथलीट का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, किसी का भी हो, ठीक है, तो ये पहले चलना है। तो आपको क्या करोगे गाइस, एक लेमैन तरीके से हम लोग सिंपली समझते तो करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली एज अ प्रोग्रामर हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल कराने से पहले एक तरीका है कि यहाँ पे आप पहले से पहले हर बार जहाँ जहाँ कॉल करा रहे हो उस मेथड के जस्ट पहले आप कॉल करा लो यहाँ पे। और दूसरा तरीका है कि उस क्लास के अंदर ही उस मेथड में जाके यहाँ पे मेंशन कर दो एज इट इज, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि हर मैसेज से पहले इस तरह से कॉल करा लेंगे ताकि वेकअप पहले आए, देन मेन मैसेज उस पर्टिकुलर क्लास का है, लेट्स से यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मैसेज आए, राइट, एक ये तरीका है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है, एक पेनफुल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर ये हमारा लॉजिक नहीं है एक तरह का, ठीक है, बिजनेस लॉजिक नहीं है, ये क्या एक फिक्स है, कंटेंट है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल है, वो हर बार सिर्फ कॉल होना है एक जगह से, और वो एक फिक्स लाइन ऑफ कोड है, फिक्स तरह की फंक्शनैलिटी जो हर बार हमें यूज करनी है। तो आप एक इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे देखो एक तरह से ध्यान से देखो तो एक लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, राइट, अचीव तो हो जाएगा लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अब क्यों नहीं है बताना चाहूंगा, मान लो कल को बोलता है कोई कि हमने 1000 लाइन थी, हमने हर लाइन में यूज़ कर लिया, गुड, लेकिन मान लो किसी ने बोला कि ये मुझे हर एक के पहले जो वेकअप मेथड अभी यूज़ किया था मेरे को रिमूव करना, अब आप इरिटेट हो जाओगे, यार पहले कोई बोलता है क्लाइंट की लगा दो फिर बोलता है यार हटा दो, अब 1000 लाइन्स मतलब 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, एक 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो वहाँ पे क्या एज इट इज़ ऐसे जाकर यू रिमूव करोगे गाइस, सोचो ध्यान से सोचो, अगर इस तरह से मान लो इस क्लास में अभी एक क्लास है यहाँ पे मैंने रिमूव किया, क्या वहाँ पे आप जाके रिमूव करोगे, ओके, तो फिर आप कहोगे यार हाँ बिल्कुल करेंगे क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो गाइस दूसरा क्या तरीका है कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अगर यूज़ किया जाए तो ये अचीव किया जा सकता और ईजिली उस चीज़ को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, राइट, जब ज़रूरत होगी तो हम कॉल भी करा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में और उस पर्टिकुलर एरिया में रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स से 5 क्लासेस में वेकअप हमें कॉल कराना है 5 क्लासेस में, और बाकी की जो यू नो रिमेनिंग क्लासेस हैं वहाँ पे हमें डिसेबल करना है वो फंक्शनैलिटी, तो एस्पेक्ट के थ्रू वो हो सकता है। अब चलिए करके दिखाता हूँ सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कॉल हो, ठीक है, तो मतलब कि इससे पहले कॉल हो, इट मींस दैट हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कॉल किया मैंने स्टडी, तो मतलब कि इससे जस्ट पहले यहाँ पे कॉल हो जाए, राइट, तो यहाँ पे ये मेथड कॉल हो, ठीक है। अच्छा वो मैसेज अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, नो डाउट वही मैसेज आ रहा है, चाहे कोड के अंदर कर दें चाहे यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉल करा रहे हैं उस तरह से कर लें, मतलब कि अल्टीमेटली स्टडी से पहले ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, दैट इज ओनली द कंडीशन। ये स्टूडेंट है, कल को इम्प्लॉय होता तो लेट से आप ऐसे करते, फिर कल को कोई और होता, इमेजिन करो, तो एन नंबर ऑफ कोड ऐसे लिखते जाते हो, हर बार ये एक पर्टिकुलर लाइन आप ऊपर पुट करते जाते हो, राइट, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कॉल नहीं करूँगा मैं, और यहाँ पे लेकिन कॉल ऑटोमेटिकली हो जाए, कैसे होगा गाइस, करना क्या है, लेट से ह्यूमन वाले को आपको टारगेट करना, बेसिकली ह्यूमन कॉल होना चाहिए वेकअप मेथड, तो इसको मैं बना दूंगा एस्पेक्ट
कैसे? सबसे पहले एड एस्पेक्ट आपको यूज करना है, ठीक है, कंट्रोल F11 किया, ओके, बट यहाँ पे नहीं आया गाइस, मैंने सोचा था आ जाए, लेकिन कैसे आएगा गाइस? एस्पेक्ट बना दिया लेकिन पता कैसे चलेगा यार कॉल कहाँ करना है, तो ये तो आपने बताया नहीं और किस जगह पे कॉल होना। तो गाइस यहाँ पे एक एनोटेशन होता है, वो बोलता है एक एनोटेशन है, लेट से हमें बिफोर मतलब पहले कॉल कराना है, ध्यान से देखो, हमें स्टडी से पहले कॉल कराना है, उसके बाद नहीं कॉल कराना है, राइट। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ह्यूमन वाले मेथड को यहाँ पे आपको यूज करना है एक एनोटेशन विच इज बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर किया एंड यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको लिखना है एग्जीक्यूशन एंड वो मेथड का सिंटैक्स सिग्नेचर यू कैन से, वो आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर पेस्ट करना है, मतलब किस सिग्नेचर को बेसिकली जिसके पहले आप कॉल कराना चाहते हैं, लेट्स से स्टडी से पहले कॉल कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो ये सिग्नेचर को आपको कॉपी कर लो जिसके पहले आप कॉल कराना चाहते हो, कॉपी किया एंड वापस से करना क्या गाइस, ह्यूमन में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस पैरेंथेसिस के अंदर, सिंपल, दैट्स इट, काम हो गया, राइट। और मैंने अगर कंट्रोल एस किया एंड अगेन मैंने F11 किया गाइस, तो ओके, बट स्टिल गाइस वो आउटपुट नहीं आ रहा जो आना चाहिए, सब कुछ ओके है गाइस, अभी एस्पेक्ट तो बन गया, लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना पड़ता है एस्पेक्ट को, राइट। यहाँ पे इनेबल एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी करना होगा, राइट, देन ये आपका तैयार हो गया। एंड नाउ अगर मैं कंट्रोल F11 करते हैं और आउटपुट देखते हैं गाइस कि नहीं आया, क्यों नहीं आया गाइस, क्योंकि ये IOC के अंदर नहीं है, तो इसको भी आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई, तो मैं बहुत देर से बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं आया, लेकिन इस बार आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये मैंने किया, कंपोनेंट को ऐड, कंट्रोल एस किया एंड F11 किया गाइस, तो यू कैन सी हियर कि सबसे पहले आया गुड मॉर्निंग, आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ। सो गाइस यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ AOP, काफ़ी सिंपल है, इट्स अ प्रीटी सिंपल, कोई भी लॉजिकल यहाँ पे चीज नहीं है, आपको काफ़ी ईज लग रहा होगा, बस अंतर ये है कि हम ह्यूमन क्लास को क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के उनके मेथड्स को एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट बनाया है और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कॉल नहीं कराया है, और अगर ध्यान से देखो स्टडी के अंदर भी कॉल नहीं कराया है, ना ही स्टडी के अंदर कॉल है, ना ही इससे पहले कॉल है, फिर भी ऑटोमेटिकली उसके जस्ट बिफोर कॉल हो रहा है थ्रू द एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन गाइस अगर कल को कोई कहता है कि नहीं हमें स्टडी के जस्ट बाद कॉल कराना, अब गाइस क्या, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो किया होता तो आपको यहाँ से कट करते फिर यहाँ पे पुट करते हैं, मतलब कि कोई बाद में कहता कि नहीं मैं स्टडी के जस्ट बाद क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, तो आप कट करते तो हर जगह क्या करते उसके जस्ट बाद में आप पेस्ट करते देन आप चलाते, लेकिन ये आपको बार बार मैनुअल करना पड़ रहा है, राइट। अब मान लो कि हमें जस्ट बाद में चलाना है, ठीक है, तो कैसे चलाएंगे गाइस, तो यहाँ पे बिफोर की जगह आपको यूज करना है आफ्टर, कि भाई आफ्टर मतलब जस्ट उसके बाद चले, पहले नहीं चले, राइट। F11 आई मीन कंट्रोल F11, सो यू कैन सी हियर गाइस आई मीन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ गुड मॉर्निंग, राइट। तो मतलब काफी सिंपल है और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा।